हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मेरा नाम है जय प्रकाश यादव और मेरे स्टूडियो चैनल ये भी यादव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हमने जो इस चैनल के थ्रू एनएमएससी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ, तो एनएमएससी का जो इन्फॉर्मेशन है उसका वीडियो मैं एक डाल चुका हूँ कि उसमें जो कि दो पेपर होते हैं सेट एबिलिटी एवं मेंटल एबिलिटी का। तो वो उसमें जो है कि उसका क्या क्या पढ़ना रहता है, क्या क्या सिलेबस रहता है, उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने उसमें ये जाना था कि इसमें कितने कितने मार्क्स के होते हैं, कितने कितने प्रश्न आते हैं, कितने कितने हमको जो है कि अटेम्प्ट करना है, जो है कि उस पास करने के लिए नंबर चाहिए रहता है, इसको हम करते हैं और कितना समय होता है, हम उसको उस इन सब चीज़ का प्रीवियस वीडियो में जो कि डाल चुका हूँ। आज हम जो जो एनएमएससी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है एनएमएससी कंपटीशन एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम जो पेपर है उस पेपर में जो है कि दो पेपर होते हैं, एक होता है मेट एबिलिटी का और एक होता है सेट एबिलिटी का। तो हमने इसमें ये जाना था कि कितने कितने वो मार्क्स के होते हैं या कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि मेट एबिलिटी में 90 प्रश्न आते हैं, तो वो 90 प्रश्न किन किन आधार पे आएंगे, कैसे आएंगे, किस सिलेबस से आएंगे, हम जो है कि इस वीडियो में उसको जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ दोस्तों, अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर भी कर देना और उनको भी कुछ हेल्प हो सके। और जो है कि ये एनएमएससी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, अगर आप पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थी हैं तो आपके पढ़ाई लिखाई में अगर किसी भी प्रकार की रुकावट आती है तो इस रुकावट को दूर करती है। ठीक है, तो उसके लिए हम हमारे इस चैनल के थ्रू आपको इस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। और ये वीडियो कक्षा 8 वालों के लिए, क्योंकि ये एनएमएससी एग्जाम जो कि क्लास 8 में होता है। तो आज हम जानेंगे जो एनएमएससी कंपटीशन एग्जाम में दो पेपर होते हैं, मेंट एबिलिटी एवं सेट एबिलिटी का। तो उसमें हम जानेंगे कि आज हम मेंट एबिलिटी एवं सेट एबिलिटी में मेट एबिलिटी में जो 90 क्वेश्चन आएंगे, 90 अंक आएंगे, तो वो किस आधार पे आएंगे, किस किस जो है कि प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, उसका जो है कि किस प्रकार से सिलेबस होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आज जानेंगे, है ना दोस्तों। और जो भी और अभी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम और भी अपने एनएमएससी का जो भी और भी जानकारी है उसको हम जो है कि इस चैनल के थ्रू आपको कराते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम जो है कि मेट एबिलिटी में कौन कौन से जो है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसके सिलेबस को देखते हैं। और हो सके तो आप जो है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये अच्छी चीज है, जितना ज्यादा शेयर करोगे आपको उतना ज्यादा अपने दोस्तों के साथ हेल्पफुल भी मिलेगा, है ना दोस्तों। तो हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एनएमएससी कंपटीशन एग्जाम फॉर क्लास 8 के लिए है, उसमें जो है कि दो पेपर होते हैं, एक होता है मेंटल एबिलिटी का, एक होता है सेट एबिलिटी का। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी के जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को मैंने लिखा है, हर एक टॉपिक से 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं एवं हर क्वेश्चन जो है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होते हैं। और ये जो मैंने टॉपिक लिखा है, इन टॉपिक में से हर टॉपिक में से हर साल प्रत्येक साल इन टॉपिकों में से 5 से 8 प्रश्न निश्चित ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एनएमएससी कंपटीशन एग्जाम फॉर क्लास 8 के लिए जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में जो है कि दो पेपर होते हैं, पहला होता है मेंटल एबिलिटी का, ये जो है कि फर्स्ट पेपर होता है, और ये होता है सेकंड नंबर का पेपर, है ना। इसका भी इंफॉर्मेशन मैं जो है कि प्रीवियस वीडियो में डाल चुका हूँ, आप जो है कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नीचे जाकर देख सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर होता है मेंटल एबिलिटी का एवं सेकंड पेपर होता है सेट एबिलिटी का। तो इसका क्या क्या चीज होता है एग्जाम का, एवं सेट एबिलिटी में क्या क्या होता है, मेंट एबिलिटी में क्या क्या होता है, मेंटल एबिलिटी में अपने दिमाग का जो टेस्ट है उसको लिया जाता है, सेट एबिलिटी में आपके जो क्लास एट है उसका सिलेबस जो है कि साइंस मैथ्स एवं सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट होता है, इन तीनों सब्जेक्ट में जो है कि सेट एबिलिटी, इन तीनों सब्जेक्ट से मिलकर जो अपना सेट एबिलिटी जो पेपर होता है वो बनता है, और
उसी से ही क्वेश्चन आते हैं जो है कि सही विकल्प चुनने वाला, ठीक है। तो हर एक प्रश्न जो है कि वही आते हैं सही विकल्प चुनने वाला, है ना, मेंटल एबिलिटी में वही होता है। तो सबसे पहले होता है फर्स्ट पेपर मेंटल एबिलिटी का। तो मेंटल एबिलिटी में जो है कि ये सब टॉपिक आते हैं। पहला होता है सांकेतिक भाषा परीक्षण, है ना। सांकेतिक भाषा परीक्षण में होता क्या है कि जो भी जो है कि इंग्लिश के वर्ड को आपको इधर उधर घुमा के दिया रहेगा और उसी को आपको किसी भी सांकेतिक पूर्ण परीक्षण में आपको चेंज करने के लिए बोलेगा, तो जो भी चेंज होगा और सही आंसर होगा उसको हमको चुन के फिल करना रहता है। आपको जो है कि आपको जो आंसर शीट होता है उसको कैसे फिल करना है उसका वीडियो में फिल आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम जानते हैं जो मेंटल एबिलिटी में किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं इसको जानते हैं ना। तो सेट एबिलिटी मेंटल एबिलिटी में सांकेतिक भाषा परीक्षण इस टॉपिक से प्रत्येक साल हर एक टॉपिक से 5 से 8 प्रश्न हर साल आते हैं और वो 5 से 8 नंबर के होते हैं क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है ना। तो सांकेतिक भाषा परीक्षण, विलुप्त पद ज्ञात करना, पासा एवं घन, आकृति काउंट करना गिनना, श्रेणी दिया रहेगा श्रेणीवार में, उस श्रेणीवार में कुछ भी श्रेणी में एक जो है कि पद को हटा दिया रहेगा उस पद को आपको ज्ञात करना है, श्रेणी वाले क्वेश्चन आते हैं। समानता श्रेणी, समानता की जो श्रेणी होती है उस श्रेणी के क्वेश्चन आते हैं। वर्गीकरण के क्वेश्चन आते हैं, दिशा निर्धारण के प्रश्न आते हैं, वेन आरेख के प्रश्न आते हैं। अब ये सब चीज टॉपिक आप सब जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इसे नोट कीजिए अपने बुक में कि इस टॉपिक से आपके जो पेपर है वो जो है आएगा, है ना। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो आएगा और ये जो है क्या क्या होता है इसको मैं पूरे डिटेल से आपको इस चैनल के थ्रू पूरे बताऊंगा, है ना दोस्तों। तो हमने जो मैटर कर दी है उसमें जो है कि बहुत सारे टॉपिक हैं, सांकेतिक भाषा परीक्षण, विलुप्त पद ज्ञात करना, पासा एवं घन, आकृति काउंट करना, श्रेणी वाले जो क्वेश्चन है वो समानता श्रेणी है, वर्गीकरण के क्वेश्चन है, दिशा निर्धारण है उस क्वेश्चन है, और जो वेन आरेख के क्वेश्चन है, और भी जो टॉपिक है जो आपके जगह नहीं होने के कारण मैं नहीं लिख पाया उसको भी लिखूंगा, है ना। तो ये जो है कि यहाँ पे कितने टॉपिक हो चुके हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टॉपिक हुए। अभी और भी कुछ टॉपिक बचे हैं उन टॉपिक को भी बताऊंगा। तो इन प्रत्येक टॉपिक से आठ से पांच प्रश्न आते हैं, ये मैं जो है इसकी गारंटी देता हूँ कि हर साल के जो कंपटीशन एग्जाम है एनएमएससी का उसमें प्रत्येक ये जो टॉपिक है मैटेबिलिटी का उसमें से 8 से 5 प्रश्न निश्चित ही आते हैं, मैं इसकी आपको गारंटी देता हूँ, है ना। तो ये रहा कि जो मैटेबिलिटी में सांकेतिक भाषा परीक्षण, विलुप्त पद याद करना, पासा एवं घन, आकृति गिनना, श्रेणीवार जो क्वेश्चन है, समानता श्रेणी के क्वेश्चन है, वर्गीकरण के क्वेश्चन है, दिशा निर्धारण के क्वेश्चन है, वेन आरेख के क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन एवं टॉपिक पे जो मैटेबिलिटी का पेपर है वो बनता है। इसीलिए दोस्तों जो इसका बेस है मैं पेपर का उस बेस को मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो, आप जो है इस कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर सको, ठीक है। तो हम मैटेबिलिटी जो पेपर होता है उसके टॉपिक के बारे में समझ जाएंगे आज, इसमें क्या क्या टॉपिक होते हैं, उस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न, कितने कितने अंक आते हैं, मैट एवं सेट एबिलिटी दोनों के बारे में जानेंगे। मैट एबिलिटी में अभी जो कि 9 टॉपिक हुए और 9 टॉपिक में से जो कि 8 से 10 प्रश्न हर साल निश्चित आते हैं, और जो भी और आने वाले वीडियो हैं उसमें जो कि आपको हम एक एक टॉपिक को एकदम अच्छे से क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो अभी ये 9 टॉपिक रहा, अभी भी एक मैट एबिलिटी का और टॉपिक बचे हैं, उस टॉपिक को भी आपको लिख के दिखाता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त जगह नहीं होता है इसलिए मैं जो है कि मात्र 9 टॉपिक को यहाँ पे लिख पाया, और भी टॉपिक हैं उन टॉपिक को हम लिखते हैं, है ना दोस्तों। और उसके बाद जो मैट एबिलिटी है उसका टॉपिक खत्म होने के बाद हम सेट एबिलिटी को जो टॉपिक है उनके टॉपिक को देखेंगे और उनमें से जो कितने कितने प्रश्न हैं जो कितने कितने अंक आएंगे उसको देखेंगे। तो ये रहा मैट एबिलिटी, जो मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आते हैं, कितने कितने प्रश्न से आते हैं, है ना। और भी टॉपिक बचा है उसको देखते हैं। आप इसको जो है कि स्क्रीनशॉट करके रोक सकते हैं और इसको आप जो है कि अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले जब आप पढ़ोगे, जब आप खोलेंगे कॉपी तो मैट एबिलिटी का जो पेपर है उसमें इन इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो हमको यही एक टॉपिक अपने आपने अच्छे से क्लियर करना है, तब हम कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर पाएंगे, है ना दोस्तों। ये मेंटल एबिलिटी का जो 9 टॉपिक है वो रहा, और भी टॉपिक बचे हैं
उन टॉपिक को मैं लिखता हूँ, उसके बाद आप जो है कि उसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेटाबॉलिज्म का जो टॉपिक बचा था वो ये दो टॉपिक हैं, ये जो टॉपिक है जो नौ टॉपिक वहाँ पे हो चुका था, ये जो दसवा टॉपिक है वो है निष्कर्ष ज्ञात करने का। आपको जो है कि दो प्रकार के सेंटेंस दे रहे हैं, ठीक है, एक जो है कि सकारात्मक नकारात्मक कुछ भी है, उस सेंटेंस से क्या निष्कर्ष निकलेगा, सही निष्कर्ष को आपको सेलेक्ट करना है और वहाँ पे जो सही आंसर उसको फिलअप करके आगे बढ़ना रहता है। ये होता है निष्कर्ष ज्ञात करने का। इसमें भी जो है कि हर साल 5 से 8 प्रश्न आते ही हैं। मैथ्स पैसेज में होता क्या है, इसमें आपको कुछ भी मैथ्स से रिलेटेड कहानी टाइप का दिया रहेगा और उससे रिलेटेड मैथ्स अपने दैनिक जीवन में मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा और इस पैसेज के थ्रू आपको उसको जो है कि मैनेज कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद जो है कि आप उसको एडजस्ट करने के बाद आप उसको जो भी उसका आंसर क्वेश्चन दे रहेगा उसका आंसर आपको ढूंढना है उस पैसेज में और आपको सिलेक्ट करके फिलअप करके आगे बढ़ना रहता है। तो ये रहा निष्कर्ष ज्ञात करने का जो टॉपिक है और मैथ्स पैसेज, इन सभी टॉपिक अब जो है कि कुल मेंटल एबिलिटी के और भी जो है कि 11 टॉपिक में इन सभी टॉपिक को हम पूरे अच्छे से क्लियर कराएंगे। सेट एबिलिटी में क्या क्या आपको पढ़ना है उसको बताएंगे। मेंटल एबिलिटी का जो है कि टॉपिक कंप्लीट हुआ है ना, और जो हमने बताया सभी टॉपिक का नाम बता दिए और प्रत्येक टॉपिक से 8 से 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब हम जो है कि और भी नेक्स्ट वीडियो में अपने जो टॉपिक है जैसे कि निष्कर्ष ज्ञात करने का, सांगीतिक भाषा परीक्षण, विलुप्त पद ज्ञात करना, इन सभी को कैसे सॉल्व करना है, इसके जो तरीके हैं और इसका जो पैटर्न है उस पैटर्न को मैं बताऊंगा जिससे वो आपसे आसानी के लिए सॉल्व हो जाए, इस ट्रिक को मैं आपको बताऊंगा सिर्फ, है ना। और मैं अगर आप उस ट्रिक को अगर सीख गए ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये जो टॉपिक है उस टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन है ना वो आपसे 30 सेकंड में बन जाएंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। अगर आपका जो टॉपिक है वो अगर क्लियर रहे तब की बात है ना, अगर आपका टॉपिक अगर अच्छे से क्लियर रहे, किस प्रकार से उस ट्रिक को अप्लाई करना है ये पता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये रहा मेंटल एबिलिटी के जो भी जो टॉपिक थे इन्हीं 11 टॉपिक से जो मेंटल एबिलिटी का पेपर है ये बने रहते हैं। ये मेंटल एबिलिटी का पेपर इन्हीं सब टॉपिक को मिलकर बने रहते हैं और प्रत्येक टॉपिक से 8 से 5 प्रश्न आते हैं, है ना, और इन्हीं सब टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कि अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो ये रहा मेंटल एबिलिटी के जो टॉपिक है, न्यू जो उसके सिलेबस है कि किस किस जो पार्ट है उससे जो है कि क्वेश्चन आएंगे। अब हम सेट एबिलिटी की बारे में जानेंगे कि उसके लिए हमको 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सभी को डिटेल से जानेंगे। सेट एबिलिटी पेपर के बारे में, मेंटल एबिलिटी के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। अब हम सेट एबिलिटी के बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेंटल एबिलिटी का ये जो क्वेश्चन मतलब जो टॉपिक है वो यही भी खत्म होता है। हम सेट एबिलिटी जो क्वेश्चन है उसको जानेंगे, है ना। इस पेपर को हिंदी में बोला जाता है बौद्धिक, इस पेपर को हिंदी में बौद्धिक योग्यता परीक्षा, है ना, इस परीक्षा को यही बोला जाता है, है ना, एवं इसको बोला जाता है शैक्षिक योग्यता। ये आपको योग्यता इससे क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस परीक्षा में आपको आपकी योग्यता ही देखी जाएगी। हाँ दोस्तों, और मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ, जो एनएससी जिस प्रकार से क्लास 8 में होता है उसी प्रकार से क्लास 10 में भी जो है कि एनटीएससी एग्जाम होता है, और इस एनएससी एग्जाम देने का प्रॉफिट यह होता है कि आपको पर मंथ 1000 रुपये मंथली मिलता है, है ना, और जब तक 12th तक मिलेगा, अभी जब 8th में दिलाओगे तब, जब 10th में दिलाओगे तो इन फ्यूचर जब तक आप स्टडी करोगे तब तक आपको मिलेगा, ठीक है, पर मंथ पेमेंट मिलता है ना, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है कि हमने जो जाना है मेंटल एबिलिटी योग्यता परीक्षण एवं शैक्षिक योग्यता परीक्षण, इसमें आपकी योग्यता को देखा जाता है कि आप इस परीक्षा के काबिल हो या उस पेमेंट के काबिल हो कि नहीं। तो आपने जो है कि जोर लगा के अच्छे से मेहनत करके पढ़ना है
और बताना है सामने वाले को कि हम इसके काबिल हैं, हम उस इवेंट के काबिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम एनएमसी जो कंपटीशन एग्जाम है उसके मेरिट एबिलिटी जो बौद्धिक योग्यता परीक्षा के जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को मैंने बता दिया और उनसे कितने कितने प्रश्न हैं उसको भी बता दिया। अब हम शैक्षिक योग्यता के बारे में जानेंगे, जो सेट एबिलिटी जो पेपर हैं उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, हमने जानने की कोशिश करते हैं सेट एबिलिटी पेपर के बारे में। तो दोस्तों सेट एबिलिटी में होता क्या है, सेट एबिलिटी में 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके क्लास 8th के ही, क्लास 8th का ही वो सिलेबस होता है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, सेट एबिलिटी में 3 सब्जेक्ट होते हैं क्लास 8th का ही होता है, 8th का साइंस और 8th का सामाजिक विज्ञान एवं 8th का मैथ्स। इन सभी के सिलेबस हैं, इन्हीं सभी सिलेबस के को मिलाकर ही जो सेट एबिलिटी का पेपर है वो बनता है ना। और इसमें से आपको किस किस टॉपिक को भी पढ़ना है इसको मैं भी बताऊंगा। खैर हम जानते हैं कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं गणित, विज्ञान में रसायन और जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र होते हैं, इनमें से कितने कितने नंबर आएंगे, एवं सामाजिक विज्ञान में भूगोल इतिहास एवं नागरिक शास्त्र किस टाइप के क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आएंगे उसको जानते हैं ना। और मैथ एबिलिटी में तो सॉरी मैथ्स में जो है कि आपका 10 नंबर 20 नंबर का आता है और वो पूरे क्लास 8th का ही होता है। 8th में जो भी टॉपिक रहेगा मैथ्स का वो टॉपिक आपको पूछा जाता है ना, उसको ही मिलाकर इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर ही सेट एबिलिटी का पेपर बनता है हाँ। सेट एबिलिटी का पेपर वही उसी से बनता है, इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से मिलकर बनता है ना दोस्तों। अब हम जानेंगे कि विज्ञान में किन किन तीन टॉपिक जैसे कि रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल जो है कि भौतिक शास्त्र होता है, इन तीन टॉपिक में साइंस से नंबर आते हैं 35 नंबर के आते हैं। तो इन सभी को जानेंगे कि कितने कितने मार्क्स के इन तीन टॉपिक से आएंगे, मैथ्स में 20 नंबर के आएंगे उसको जानते हैं है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना जो नया टॉपिक है उसके साथ मिलेंगे। तो दोस्तों शैक्षिक योग्यता में ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं मैथ्स हैं। तो विज्ञान में होता क्या है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान, इन तीनों टॉपिक इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर 35 अंक के क्वेश्चन आते हैं। एवं जो सामाजिक विज्ञान का जो 3 टॉपिक है भूगोल इतिहास नागरिक शास्त्र, इन तीनों टॉपिक को मिलाकर 35 अंक सामाजिक विज्ञान के आते हैं, गणित के 20 अंक आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 8th का ही होता है। और क्लास 8th का ही साइंस में जो भी भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान है, ये साइंस को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर 35 अंक के जो क्वेश्चन है वो 35 आएंगे। और जो सामाजिक विज्ञान में भूगोल इतिहास नागरिक शास्त्र के जो 35 क्वेश्चन है वो 35 अंक आएंगे और मैथ्स के 20 अंक आएंगे। ठीक है, और इन सभी को मिलाकर आपके 90 अंक जुड़ेंगे। ठीक है, 90 अंक के ये पेपर होते हैं, 90 अंक के वो पेपर, तो 180 क्वेश्चन होते हैं, 180 मार्क्स है ना। और ये रहा 3 टॉपिक शैक्षिक योग्यता का, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान मैथ्स, और विज्ञान के अंतर्गत भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, इन तीनों टॉपिक को मिलाकर 35 अंक इसमें आएंगे सामाजिक विज्ञान में। या सामाजिक विज्ञान में भूगोल इतिहास नागरिक शास्त्र, इन तीनों टॉपिक को मिलाकर 35 अंक सामाजिक विज्ञान के आएंगे, मैथ्स में 20 अंक के क्वेश्चन आपके आएंगे। और ये तीनों टॉपिक जो कि हम 8th में है ना 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उन 6 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट को आप अच्छे से देख रहे हैं। वैसे भी इस चैनल पर मैं विज्ञान की जो वीडियो है क्लास 8th का उसका सिलेबस कंप्लीट कराता हूँ, तो इस चैनल के थ्रू आप जो है कि मेरे चैनल में बने रहिए ताकि आपको भी कुछ प्रॉफिट हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है ना। तो इन्हीं सब टॉपिक को मिलाकर शैक्षिक योग्यता का पेपर बनता है और वो पूरे 90 अंक का होते हैं, 90 प्रश्न होते हैं। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको नॉलेज रहे कि कितने कितने अंक आएंगे, किस किस टॉपिक से आएंगे, सामाजिक विज्ञान विज्ञान या मैथ्स के जो भी क्वेश्चन हैं किस टॉपिक से कितने कितने अंक आएंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें हमने जाना कि जो मैं भौतिक योग्यता एवं शैक्षिक योग्यता में कितने टॉपिक हैं एवं उन टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो में जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो एनएमसी का जो भी और टॉपिक है उन टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।
और अच्छे लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर देना, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि ये जो है कि बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसको आप जितना ही ज़्यादा शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा आपको जो है कि जिम भेजने वाले को आपको प्रॉफिट ही होगा, है ना दोस्तों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहना। थैंक यू। बड़े से अच्छे से पढ़ाई।